हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज द पेस और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2018 के बेस्ट एंड्रॉयड लॉन्चर की। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपाइल करके पांच ऐसे बेस्ट एंड्रॉयड लॉन्चर जो कि 2018 में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इन्हें डाउनलोड किया और काफ़ी लोगों को ये लॉन्चर पसंद आए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आपको हमारे सारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो द फर्स्ट लॉन्चर इन आवर लिस्ट इज ASAP लॉन्चर और जैसे कि उसके नाम से क्लियर है कि ये लॉन्चर आपको क्विकली कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। इस लॉन्चर में आप राइट से स्वाइप करके नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आप ब्राइटनेस, ब्लूटूथ, वाईफाई किसी भी चीज़ में डायरेक्टली स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्विक नेविगेशन मिल जाता है यहाँ पे देखने को आपके नोटिफिकेशन पैनल में। राइट स्वाइप करके आप आपके टू डू लिस्ट और कैलेंडर वगैरह को देख सकते हैं जो कि काफ़ी क्विकली आपको नेविगेट करने में हेल्प मिलेगा। आपको डेट वगैरह देखने को मिल जाएगी और राइट स्वाइप करने पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डायलर और कॉन्टैक्ट्स एंड फर्दर राइट स्वाइप करने पे आपको देखने को मिलता है वेदर फोरकास्टिंग। राइट स्वाइप करके यहाँ पे आप आपके एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को अल्फाबेटिकल वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप सर्च करते हैं कोई सा ऐप यहाँ पे उसके लिए आपको मिलता है यहाँ पे एक सर्च बार जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फॉलो कर सकते हैं मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और मैं कुछ यहाँ पर अच्छे अच्छे अपडेट्स और फोटोज़ वगैरह डालते रहता हूँ। आई होप आपको ये भी कंटेंट पसंद आएगा। होम स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाती है ऊपर डेट एंड टाइम, साइड में मिल जाता है गूगल का सर्च बार। इस लॉन्चर के सेटिंग्स में भी आपको काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। इसमें आप अपने मोबाइल को पूरी तरह से थीम कर सकते हैं, थीम में जाकर इसमें आप चूज़ कर सकते हैं लाइट थीम, डार्क थीम, डे नाइट या फिर वॉलपेपर वेस्ट थीम या फिर डायरेक्टली ब्लैक थीम। और इसमें आपको एक प्रो वर्जन भी देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन का जिसमें आप प्रो वर्जन अगर आप बाय करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाता है। लुक एंड फील में भी आपको काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है हिडन ऐप का ऑप्शन जो कि काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है और यहाँ पे आपको कुछ जेस्चर बेस्ड सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। नंबर फोर पे हमारे पास है AIO लॉन्चर। इस लॉन्चर की खासियत यह है कि आपको एक ही पेज पे आपको सभी कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर आपको टाइम एंड डेट देखने को मिल जाता है, नेक्स्ट अलार्म देख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग ऊपर आपको देखने को मिल जाती है टॉप राइट कॉर्नर पे। यहाँ पे आपको मॉनिटर मोड का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप आपकी रैम, आपकी बैटरी यूजेस वगैरह सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज एप्स को भी आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, इनकी लिस्ट को आप एक्सपांड कर सकते हैं डायरेक्टली उनके नेविगेशन बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे आपको आपके होम स्क्रीन पे ही आपको SMS, आपके ट्विटर के पोस्ट, आपके जीमेल के मेल्स, आप सभी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन डायलर पे भी आपको डायल करने के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन ओपन नहीं करना होती है, डायरेक्टली आप होम स्क्रीन से ही डायल कर सकते हैं किसी भी नंबर पे। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आप आपके मेल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यहीं से आप डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं, कुछ न्यूज़ वगैरह भी खुद ही रिकमेंड करता है। और अगर आपने आपके AIO लॉन्चर को ट्विटर से लिंक किया है तो आप यहाँ पे ट्विटर के पोस्ट डायरेक्टली आप अपने होम स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप नीचे जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैलेंडर और अगर आप नीचे जाए तो यहाँ पे USD टू INR का कन्वर्जन डायरेक्टली देखने को मिलता है। बिटकॉइन का भी आपको यहाँ पे पूरा ग्राफ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट स्वाइप करके आप आपके ऐप ड्रॉअर को एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली इस लॉन्चर में आपको सभी चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेट में देखने को मिलती है, कोई आइकन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, बट इस लॉन्चर में आपको बेसिकली सारी चीज़ें आपको एक बार में आपके होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी यूजफुल चीज़ है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है इस साल का सबसे पॉपुलर लॉन्चर। Xiaomi अभी तक अपने यूजर को एक MIUI का लॉन्चर देता था जो कि काफ़ी लोगों को पसंद था, बट काफ़ी लोग इस लॉन्चर को हेट करते थे। इसी वजह से Xiaomi लेके आया था इस साल एक नया डिवाइस जिसका नाम है Poco F1। इसी के साथ इन्होंने लॉन्च कर दिया था इनका नया लॉन्चर जो कि है Poco लॉन्चर और ये डायरेक्टली आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। और जितने भी एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। Poco लॉन्चर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी हद तक स्टॉक UI देखने को मिल जाता है। इसमें आप कस्टम आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ये काफ़ी हद तक पूरा स्टॉक एंड्रॉइड तक लगेगा। इसमें आपको देखने को मिलता है गूगल कार्ड्स की जगह पे इनका खुद का कोई कस्टमाइज कार्ड, ये आपको खुद ही न्यूज़ और खुद ही आपको सारी चीज़ें सजेस्ट करता है। आई डोंट नो कि किस तरह से ये लॉन्चर आपको ये सारी न्यूज़ सजेस्ट करता है,
बट स्टिल आप इसमें इन्फिनेटली स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली आपको नए नए न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें इनका खुद का एक रिम क्लीनर देखने को मिल जाता है। जो अंदर का यूआई है वो काफ़ी हद तक स्टॉक है और सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कस्टम आइकन पैक का ऑप्शन, जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप आपके खुद के कस्टम आइकन्स। आप यहाँ पे ऐप ड्रॉ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ये है इस लॉन्चर की खासियत, जहाँ पे आपको आइकन्स पे कंट्रोल देखने को मिल जाता है, फॉन्ट पे, सभी चीज़ों का लगभग आपको कंट्रोल पूरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें डार्क थीम भी अवेलेबल है। पोको लॉन्चर के ऐप ड्रॉअर में भी काफ़ी आपको यूनिकनेस देखने को मिल जाती है। इसमें सारे ऐप्स को इन लोगों ने कैटेगराइज करके अलग अलग डाल दिया है, तो आप कोई से भी एप्लीकेशन को अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसकी कैटेगरी में जाके आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी के मामले में भी इस ऐप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें आपको देखने को मिल जाता है हिडन ऐप का ऑप्शन, जिसमें आप एक बार आपके पासवर्ड को सेट कर देते हैं और आप आपके एप्लीकेशन को ऐड कर देते हैं, तो आप अगर आपके हिडन ऐप्स को यूज़ करना चाहते हैं तो बस डबल राइट स्वाइप करके आप आपके एप्लीकेशन का पेटर्न डाल के आप आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास है रूथलेस पिक्सल लॉन्चर। ये है रूथलेस पिक्सल लॉन्चर, रूटलेस पिक्सल लॉन्चर नहीं है। रूटलेस पिक्सल लॉन्चर शायद आपको प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाता है, बट ये जो लॉन्चर है ये शायद आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिले। तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप फ़ैन हैं गूगल पिक्सल के या फिर आप फ़ैन हैं स्टॉक एंड्रॉयड के, तो ये लॉन्चर आपके लिए बेस्ट लॉन्चर है, क्योंकि इस लॉन्चर में आपको पूरा कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड या फिर स्टॉक लॉन्चर के ऊपर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। रूथलेस पिक्सल लॉन्चर में आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। स्टॉक लॉन्चर के ऊपर ही ये पूरा आपको कंप्लीट स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस देता है, और इसमें आपको साथ ही साथ एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। इस लॉन्चर में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके आइकन्स के फॉन्ट को, आपके आइकन के साइज़ को, आप अपने ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन गूगल सर्च बार को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आइकन्स के ऊपर, आइकन के नीचे या फिर उसकी ओपेसिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉलपेपर वेस्ट कलर को चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको डार्क एंड लाइट दोनों ही थीम आपको देखने को मिल जाती है। कस्टम फॉन्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं, बस इसमें आप आपके ऐप ड्रॉअर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये लॉन्चर मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट लॉन्चर है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, और वो भी एक स्टॉक लॉन्चर के ऊपर। और अगर आप यूज़ करते हैं एक एंड्रॉयड वन डिवाइस या फिर आप चाहते हैं उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन, तो ये लॉन्चर आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये बेस्ट है। और सबसे बेस्ट चीज़ कि इसमें आप आपकी सेटिंग्स को बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो। जो भी आपने सेटिंग चेंज की है इस एप्लीकेशन में, उसका आप एक बार में बैकअप ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप इस एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल करते हो आपके डिवाइस में, तो आप सीधे इसको रिस्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ इस लॉन्चर में आपको देखने को मिलता है गूगल कार्स, जस्ट कंट्रोल और ब्लैक थीम। तो अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो आपको कौन सा लॉन्चर यूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, और आपको अभी भी चाहिए बहुत सारा कस्टमाइजेशन, तो मैं लेके आ गया हूँ अब आपके लिए द फादर ऑफ ऑल द लॉन्चर एट द नंबर वन, नोवा लॉन्चर। डेफिनेटली ये सभी लॉन्चरों का बाप है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है कंप्लीट कस्टमाइजेशन, और अगर आप इसका लेते हैं प्रो वर्जन तो उसमें आपको इसके सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और इस लॉन्चर को यूज़ करके आप इतने सारे थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं आपके डिवाइस में। आप इसमें आपके डिवाइस को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा लॉन्चर बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। आप बस नोवा लॉन्चर से रिलेटेड थीम सेटअप वीडियो सर्च कर सकते हो, और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल और काफ़ी सारे आपको नए नए कूल एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं नोवा लॉन्चर के साथ। जैसे है नोवा लॉन्चर नंबर वन पे। तो इस वीडियो के लिए बस गाइस बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे सारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज द पेज साइन आउट। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।